गेम शो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब के मनाशन प्यारे दोस्तों प्यारे दर्शकों आप जी का निघा स्वागत हैगा जस कैमरे की नज़र प्रोग्राम जो तुसी जस टीवी ते जस पंजाबी ते वेख रहे हैगे आ और अज कहानियां बहुत वधिया हैगियां आ और हर पासे कोविड दे लई वैसे खास तौर ते अमेरिका भी तो काफ़ी जिहड़ा हैगा आ टीके लग चुके हैगे आ वैक्सीन लग चुकी हैगी आ सारे बड़े खुश हैगे आ और एक दिमाग दे विच बैठा हुंदा बंदे दे कि मेरे टीका पहला तो डरदे सी कि टीका लगवाउणा कि नहीं लगवाउणा हुण इह कि जदों टीका लग जांदा बंदा थोड़ा जिहा सुरखरू हो जांदा कि लै भी हुण कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। आओ आपां अज सब तो पहला मनासिस चलदे हैगे वर्जीनिया दे विच जिथे एक किताब रिलीज़ हुई हैगी आ धर्म सिंह गुराया ने एक किताब लिखी हैगी आ कामरेड तेजा सिंह स्वतंत्र के उत्ते ते आओ थानू विखाने हाँ सिरमुख सिंह मानकू की ए रिपोर्ट। गुर पीण नू जी करदा ना पावी तू सांझ नी मोते मेरा जीण नू जी करदा और जीण नू जी करदा। स्वतंत्र ने आजादी लई बहुत मुल्कां चो घूम के लोगों जो जागृति पैदा की अर्जेंटीना पवाना में जाके पुराने पंजाबियों लामबंद किया तो उन्होंने ट्रेनिंग दे के जो दो जत्थे जड़े मास्को रही भेजे अपने कामरेड तेजा सिंह स्वतंत्र की गल कर रहे हैं तो अज भी टाइम उ जी गल चल रही है एम एस पी की ते मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी 4 लाख तो वध किसान आत्महत्या कर चुके ने कि यह लिखण का जिहड़ा शौक है इहदा मुल तारना पैंदा कल्ले लेखक नूं नहीं सारे परिवार नूं तीवन रिश्तेदारां नूं भी। बाबा नजमी जी लिखते ने मस्जिद मेरी तू क्यों ढामे मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं मस्जिद मेरी तू क्यों ढामे मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं आ जा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा लहू तां तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नूं। पंजाबी क्लब मैरीलैंड जिहड़ा है वो कोई पिछले 7-8 साल तो होंद विच आया है ते वो अपनी कम्यूनिटी दे हर एक समाजिक धार्मिक जिहड़े भी मसले है उन्हां दे उत्ते कोई ना कोई प्रोग्राम जिहड़ा हुंदे करदे मेले कराउणे कल्चर प्रोग्राम कराउणे जां खेडां कराउणियां इहनां दा जो है पंजाबी क्लब मैरीलैंड इह आप सारयां दे सहयोग दे नाल इह काम करदा आ रिहा है। ते मैनूं कहिंदे दविंदर सिंह जिहड़े असीं पंजाब दे कामरेड आ ना असीं जिद्धर नूं मर्जी भज लईए सिक्खी तों असीं भज नहीं सकदे इह धर्म सिंह गराया जी दे अपने मूंह अपने सीगे। मेरी दिली इच्छा आ मेरी वाहगुरु अगर अरदास है जी इन्होंने लगी उम्र दे इन्होंने सेहत जाबी बख्शे इस तरह ये कौम देश की सेवा करते रहे तो सारे परिवार को बहुत बहुत मुबारक। निर्बल लुकाई ते सरकार जुल्म कर रही है उल्टी वार खेत नू खा रही है। धर्म सिंह गुराया की ये किताब एक बहुत शलाघा योग जतन है। वेरी प्राउड कि जड़ी फैमिली तो मैं बिलोंग करदा कि मेरे फादर साहब भी आप हर एक चीज़ को एक बॉक्स पा लें भी कामरेड ने ये अकाली ने जो आप बैक जाइए सारे ह्यूमन राइट्स लई वक् वक् टाइम से उस टाइम की लोड़ लई एक सच्ची सोच नाल जुड़े हुए सीगे। ਹੁਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਨੈ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਰਹਿਨੈ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਚੰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਨੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਦ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गिल जस पंजाबी दे बिहाव ते अज दसना चाहुंदा हां कि कामरेड तेजा सिंह सुतंत्र दे संबंध विच धर्म सिंह गुराया दी किताब रिलीज़ की गई है
जिस नूं स्पोंसर पंजाबी क्लब मैरीलैंड ने किया सी। और साढ़े दरम्यान रविंदर सिंह जी सराए वो दो शब्द अज के समागम संबंधी कहेंगे। रविंदर सिंह जी सरा जस पंजाबी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो सुरिंदर गिल का भी जिन्होंने मैनू जस पंजाबी दे रूबरू करवाया हैगा। अज का प्रोग्राम जिहड़ा हैगा तेजा सिंह सुतंत्र नूं समर्पित सीगा। तो धर्म सिंह गुराया ने जिहड़ी किताब लिखी है तेजा सिंह सुतंत्र बारे, ये एक विलखण किताब है। अज तकर उन्हां बारे लेख तो लिखे गए ने छोटे मोटे, पर कोई किताब के रूप में जिहड़ी है ये पहली किताब आ जिहदा सारा सिरा जिहड़ा है धर्म सिंह गुराया नूं जांदा। इस किताब नूं लिखण विच तकरीबन डेढ़ साल लगा सी, क्योंकि काफ़ी लम्मा विशा सी, बहुत थावां ते जिहड़ा ओह घुम्मणा पिया, लोकां नूं मिलणा पिया। सब तो पहला तो असी पिंड अलूणा जो तेजा सिंह सुतंत्र होरां दा जन्म स्थान सी उत्थे गए, उन्हां दे जिहड़े उत्थे परिवार दे जी, उस तों अलावा उस इलाके जिथे जिवें धारीवाल सीगा, हरदोशनिया सीगा, ए बुढ़ा कोट जिहड़ा कि डेरीवाल, ए ठक्कर संधु, ये इलाके जिहड़े सी कादियां दा इलाका होया, ए अपर बारी दुआब नहर, वो ठहरा, वो पिंड, वो लोग जिहड़े अजे भी विचारे अपने 80s दे 90s दे विच आ, असी उन्हां नूं मिले जो सुतंत्र साहब नाल काम करदे रहे उन्हां नूं मिले। इस तों अलावा असी मालवे दे इलाके जलंधर डिस्ट्रिक्ट नूं काफ़ी घूमिया, तो सब तो ज़्यादा सानू मालवे पैपसू का पुराना इलाका जिहड़ा सीगा, मानसा होया, बुढलाडा होया, भीखी होया, घग्गा होया, बरनाला, इस इलाके विच और पटियाले तक भी असी लोगों नाल संपर्क करके ते जानकारी हासिल की। धर्म सिंह गुराया ने एक बहुत ही विलखण ते इनकलाबी सूरमे तेजा सिंह सुतंत्र बारे जिहड़ी किताब लिखी सी वो अज लोगों के अर्पण की गई है। जिवें उन्हूं पंजाबी घुंड चकाई भी कह लिया जाता, पर असी उन्हूं लोक अर्पण ही कहने कि असी लोगों नूं उहदी मूंह विखाली की हैगी है। वर्जीनिया तो बाद सीधे चलते हैगे आ मैनहैटन। मैनहैटन दे विच एक नैशनल डे ऑफ प्रेयर दा दिन मनाया गया, जिस दे विच वख-वख कम्यूनिटियां, ब्लैक कम्यूनिटी, अमेरिकन, अपने इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, सारे इस प्रेयर दे विच शामिल होए। और खास तौर दे विच इत्थे साडे पंजाबियों वालों सरदार दरबारा सिंह अते सरदार इंद्रजीत सिंह जिहड़े कि उत्थे निशान साहब लैके पहुँचे। तो आओ वेखदे हाँ ये तस्वीरां, चलदे हाँ मैनहैटन। Which is all powerful, without whom nothing happens in this universe. The God who permeates our life and whose support and love we all deserve and we all pray for, created us, and by whom grace we are here. Okay. God bless you. Thank you very much. And to all of our speakers, we have a bright, our
orange individual, Mr. Fraser, who is the timekeeper right here. So make sure that you follow him in the time that you need. All right. We are essential. We are essential. Let us go before our God in prayer. I come from the faith tradition of the Christian tradition, but giving respect to all faith traditions this time. Father, we come before you on this day of prayer to pray and to protest. We thank you that prayer and protest are not mutually exclusive, but they are interconnected. We come in this moment, the time of our city, the time of our state and nation, the midst of moments of pain and hurt where we've been ravaged by COVID-19. We are essential! We are essential! We are essential! You've heard the voices today. Many great men and women of God graced this pulpit. They have spoken eloquently. From outside over here, we've talked about being a vaccination center. We were a COVID and are a COVID testing center. People have so many basic human needs. Man bada khush hunda hai jadon kisi sikh nu assi vadhiya kam changa kam karde haan jehda duniya de vich dekhde haan. कोई डॉक्टर है विदेशों के विच, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई खिडारी है. तो सिंह साहब जी थोड़े बहुत धन्यवादी हैं कि तुसी साढ़े ऑफिस च पधारे ते तुसी सानू जिहड़ी जानकारी दित्ती है वो जानकारी बहुत ही वडमुल्ली है. तो थोड़े तो सानू धार्मिक सेध मिली है ते थोनू जिनी अंडरस्टैंडिंग हैगी आ साढ़े धर्म की ते बाकी होर धर्मां दी वो भी अपने आप च एक मिसाल आ. तो असी बड़े खुशकिस्मत आ कि थोड़े वर्गे इन्ने लर्नड तो इन्ने जोड़े है गतिशील तो यंग जो जथेदार ने उस कौम में मिले आ. आप सब देख रहे हो जस कैमरे की नज़र. मैं हाँ दीपक तिमान. तबेला हो गया एक छोटी जी ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक तो बाद. ब्रेक तो बाद आप जी का स्वागत हैगा. तुसी वेख रहे हो जस कैमरे की नज़र. जस पंजाबी ते दीपक तिमान थोड़े लिए हर हफ्ते प्रोग्राम लैके आता है सोमवार को शामी 7 बजे जस कैमरे की नज़र. तो आओ आप हुण चलते हैगे आ लौंगालैंड दे विच जिथे कि फ्रेंड्स फॉर गुड हैल्थ एक क्लब हैगी एक एसोसीएशन हैगी आ जिहदी प्रतिनिधिता करते हैगे आ बॉबी कलोटिया. और इस मौके दे उत्ते जिहड़ी कि इंडिया दे विच इस वेले त्रासदी चल रही हैगी आ उहनां दी सहायता दे लई इह एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती गई जिहदे विच लौंगालैंड दे जिन्हें भी पॉलिटिशियन हैगे आ उन्होंने हिस्सा लिया. तो आओ वेखते हाँ हरकीरत सिंह की ए रिपोर्ट. सो जिथे इंडिया दे विच ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर अते होर तमाम इस टाइम वैक्सीन की लोड़ है फ्रेंड्स फॉर गुड हैल्थ जिहड़ी सत समुंदर पार अमेरिका की धरती के उत्ते सारी गल्लां और सारी हैल्प जिहड़ी है पहुंचाउण दे विच वचनबद्ध हो रही है. और किवें अज इन्होंने अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कल्ली कल्ली गल भी की और कहा जो भी इंडिया नूं हैल्प की लोड़ है वो फ्रेंड्स फॉर गुड हैल्थ जिहड़ी है इंडिया विच पहुंचाएगी. First of all, I want to say thank you to your channel helping us out spreading the message. Then I want to thanks my partners and friends and association president Jay Singh ji and Bansal ji and my dear friend for long time former senator Alain Phillips joining us. Every organization president was here. Every single organization president was here regardless of what religion they belong to. So the whole theme was united we care India, united we work, united we help, and that's what it's all about. And I'm just humble for everyone's presence. It's all about them, it's not about me. I greatly appreciate. So keep going, doing the good work. Do not expect from someone else to help you. It is we must help ourselves. And I congratulate all the religious organizations who saw the need to help the people, their sister and brothers, way above any religion, caste, creed, or wherever they come from, they choose to serve. And especially when come to the Sikh Gurdwaras throughout India and Bhaps, and they had done a great job. I have a friend of mine who's running actually for a office, and they had sent so much stuff and is sitting on the airport. What good is a charity if the government not going to make sure it reach to the people? But the purpose of people charity is, so when people doing individual basis, I think
We should continue, should not stop. Let's do it united as well. We had people from religious organizations here today. We had people from the public, Nassau County. We had private organizations, but that doesn't happen without leadership. The pandemic situation in India, which is here, jehdi ke ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏ I am very very grateful to Babuji, you have this capacity and be able to help someone, so thank you. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਸਿਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ Thank you.
अज साडे सारयां लई वाशिंगटन दे जिहड़े भी सिख बशिंदे ने उन्हां सारयां लई बहुत ही एक आनंदमई गल सी कि भाई लखविंदर सिंह जी जिहड़े कि हजूरी रागी दरबार साहब जी तों इत्थे आए हुए सन ते उन्हां दे जत्थे ने बहुत ही मधुर कीर्तन करके बहुत ही मिठास भरिया ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਹਰਜਸ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਜੋ ਐਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭਰੀਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਹੇ ਪਾਰ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ deepak@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਭੇਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।